देश की आज़ादी के बाद भी लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। सड़क, बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधा पाने के लिए लोग तरस रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक इलाका ऐसा भी है जहां के लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि गांव के लोग विकास के लिए सरकार से मांग उन्होंने ना की हो। गांव के लोगों ने विकास के लिए बाकायदा आवेदन दिया है, लेकिन आज तक इस गांव में विकास नहीं हुआ। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कोई 1947 की किसी मूवी का बनावटी सीन नहीं, ये आपके डिजिटल भारत का रियल सीन है। देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं और सब धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सोनभद्र के ग्रामीण अपनी जिंदगी बिना सरकारी सुख सुविधाओं के जी रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हिंडाल्को प्रबंधन के लोग हम ग्रामीणों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर आए दिन प्रताड़ित करते रहते हैं और मारपीट करते रहते हैं, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त है। ग्रामीणों ने रॉबर्ट्सगंज लोकसभा के सांसद पकौड़ी लाल कोल से मांग की कि हम लोग अपने घर में जरूरी सामान को लेने के लिए बाजार जाने के लिए या हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए तो उसकी दवा इलाज करने के लिए पिछले कई सालों से इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, जिसे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंधन ने बंद कर दिया है। हम लोगों के आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, हम लोग बेहद परेशान हैं। इस रास्ते को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो यहाँ इन गांव में निवास करते हैं, क्या नाम है बाबा आपका? राम जी। आप ये निहाई पाथर में रहते हैं? निहाई। ये जाने का जो ये रास्ता है यहाँ पे, तो ये रास्ता क्या कंपनी प्रबंधन द्वारा बंद कर दिया जाता है? बंद कर दिया रहा, लेकिन अब खुला है, मीटिंग वोटिंग करते मरते खुला है। तो आए दिन जो लोग यहाँ पे चोरी का इल्जाम लगाते हैं यहाँ के ग्रामीणों के ऊपर कि ये इस रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ पे चोरी करते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, वो नहीं, चोरी चंदाली हम लोग नहीं करते हैं। देखते हैं, हम लोग का जंगल यही है, गैया छेरिया अपना चराते हैं, खाते हैं इसी जगह। इन्हीं गाँव के निवासी हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा सर सुखनाथ जी। आप निहाई पाथर में रहते हैं? हाँ जी। तो ये इस रास्ते का जो विवाद चल रहा है कंपनी से, क्या मामला है पूरा? ये पहले ये जो बाउंड्री वाल हुआ है, पहले इसमें गेट लगा था, ताला लगा था, ठीक 5 बजे बंद कर देते थे। और इसमें जो है बहुत घटनाएं हुए, जब ताला लॉक होने से कहीं इलाज करने का कोई रास्ता नहीं, जैसे लॉक हो जाता, उसे कई घटना हुआ, उसे तब से कार्रवाई करते हुए धक्का धोखी होते अब दरवाजा खोल दिए हैं, हिंडोल को अपने स्वयं अपने हाथों से खुलवाया। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ग्रामीण यहाँ के बता रहे हैं कि हमारे गांव में जाने का ये एकमात्र रास्ता है, इस रास्ते को ये शाम को 5 बजे ये ब्लॉक कर देते हैं, जिससे इस गांव में अगर कोई आपदा आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो उसे ये अस्पताल ले जाने में सक्षम नहीं है। और इस इलाज के अभाव में इस गांव में कई मरीजों की मौत हो चुकी है। आपका क्या नाम है? यहाँ कहाँ रहते हैं आप? तो ये जाने का आपका एक ही रास्ता है? ये न्याय पाथर ठाड़ पाथर जैसे गांव है सर, न्याय पाथर नहीं है, ठाड़ पाथर कहें तब से। तो ये क्या ये रास्ता प्रबंधन जो कंपनी प्रबंधन है ये बंद कर देती है? पहले बंद कर देता था, अब इस समय पर चालू है। अभी एक पत्र वायरल हो रहा है, इस सोनभद्र के जो सांसद है पकौड़ी लाल कोल ने एक पत्र लिखा है कि कंपनी प्रबंधन इस रास्ते को बंद कर देती है, जिससे गांव में आने जाने के लिए दिक्कत होता है। तो बीच में लेकर के क्या इस रास्ते को लेकर तमाम आंदोलन हुए हैं? कोरोना को लेकर ये बंद था? कोरोना ने सब पहले हुआ, वो समय आंदोलन नहीं था। वही सोनभद्र के सांसद पकौड़ी लाल कोल ने बताया कि हिंडाल्को वाले डकैत हैं, सैकड़ों बीघा जमीन हिंडाल्को ने वन विभाग की मिली भगत से कब्जा लिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करके वन विभाग की जमीनों को इनके कब्जे से मुक्त कराऊंगा। कैसे खुलेगा, कैसे ग्रामीण आदिवासी ग्रामीण कैसे अपने गांव में जाएंगे? ये जो वहाँ के आदिवासी बसे हैं वो सब विस्थापित हैं। वो बहुत दिन से वो रास्ता था, मैं उससे कम से कम आए तो 15-20 साल से जानता हूँ, उस रास्ते से आते जाते। लेकिन जो कंपनी हिंडाल्को है, वो कंपनी जबरदस्त और बहुत गुंडा सरहंग किस्म के कंपनी है, और उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया रेडमेड डाल करके,
कि हमारे यहाँ के आके चोरी करते हैं, ये करते वो करते हैं, जबकि कि इतना घूम के जाना पड़ता है कि उनकी बाजार जाने में और बीमार हो गए तो अस्पताल जाने में ये दिक्कत। वो हिंडाल्को टोकन भी देता है उनको जाने के लिए कि अगर टोकन जिसको रहेगा वही आएगा, टोकन देता है पास? नहीं, टोकन पास देता है। अब जैसे कि वो आता भाई, वो तो वहाँ के हैं और चोरी वोरी नहीं करते हैं, लोग आने जाने का उनको बाजार और अस्पताल या जो इमरजेंसी कोई काम हो गया बाजार में जाने को वो ये कराता था, लेकिन उसको डाल दिया है। अब वो कह रहा है कि हम उधर से जाएं, बाहर से जाएं। हम लोग भी गए थे मौके पर भी, अगले बार में गए थे, लेकिन उन्होंने खोल तो दिया था लेकिन फिर बंद कर दिया। तो अब ग्रामीण कैसे जाएंगे, अब रास्ता, अब रास्ता, तो रास्ता कैसे तो बनाएंगे? रास्ता अब यह है कि हम अपने सरकार को अवगत कराएंगे। न्याय पाथर में इधर 3 साल से रास्ता नहीं है, श्रमिक है वहाँ आते जाते हैं, बच्चे स्कूल से आते जाते हैं, लेकिन वहाँ रास्ता नहीं है। तो हिंडाल्को रास्ता बंद करके रखी है, तो यही है कि हिंडाल्को से यही अनुरोध है कि वो रास्ता को खुलवा दें ताकि आने जाने में लोगों को कठिनाइयाँ ना हो। हमारा वहाँ वाटर सप्लाई का पाइपलाइन भी है ताकि वहाँ पाइपलाइन में कोई भी खराबी हो तो वहाँ पर उसका काम सुचारू रूप से हो सके। यही है कि हमारा हिंडाल्को जो रास्ता भी बंद करके रखी है 3 वर्षों से उसको खुलवा दिया जाए। जैसा कि उसी रास्ते के संबंध में इस रावटगंज के सांसद ककुड़ीलाल कोल ने एक पत्र भी जारी किया है, तो क्या क्या लगता है कि इस पे कार्रवाई होगी, जांच होगी? अब इस पे कार्रवाई देखिए होती है कि नहीं, वो तो होना चाहिए। वो लेटर दिया गया है, हम लोग भी अनुरोध करेंगे कि कार्रवाई हो और वो रास्ता खुल जाए। बता दें कि आजादी के 77 साल बाद भी आज मुर्दवा ग्राम का ये टोल विकास के नाम पर कोसों दूर है। उस गांव तक जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, यही एकमात्र रास्ता जो सैकड़ों वर्षों से यहाँ के ग्रामीण इस्तेमाल कर रहे थे। हिंडाल्को प्रबंधन की गलत नीतियों द्वारा उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। उस रास्ते पर केमिकल युक्त रेड मड कीचड़ से भरा गिराया रहता है, जिससे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे इलाके में आपको लेके चल रहे हैं कि जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी हर गांव में सड़क, शौचालय और विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में तत्परता से लगे हुए हैं, लेकिन ये विडंबना है कि आजादी की 77 साल होने के बावजूद भी यह गांव बिल्कुल विकास से कोसों दूर अछूता पड़ा हुआ है। किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इन गांवों की ओर आकर्षित नहीं हो रहा है। आप एक तरफ देख सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पे लगी हुई हैं, उन फैक्ट्रियों में तमाम बड़े बड़े बिजली के बड़े बड़े बल्ब लगे हुए हैं, उनके प्रकाश से ये पूरे गांव के लोग देख करके आच्छादित हो रहे हैं कि हमारे गांव के पास में बहुत बड़ा कल कारखाना चल रहा है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूरे एशिया का सबसे बड़ा अल्मोनियम उत्पादन का ये कारखाना है, लेकिन विडंबना ये है कि इस कारखाने का जो प्रबंधन तंत्र है वो प्रबंधन तंत्र इस गांव के लोगों को कोई भी सुविधा मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो इनका गांव में जाने का ये एकमात्र रास्ता है, इस रास्ते को हिंडाल्को प्रबंधन तंत्र ने बाउंड्री वाल लगा करके बंद कर रखा है। ये गांव के लोग तमाम आंदोलन करके इस रास्ते को खुलवा के रखे हुए हैं। अभी सोनभद्र के जो सांसद हैं पकौड़ी लाल कोल जी, उन्होंने कमिश्नर को पत्र लिखा है कि इस मामले की जांच करके इस रास्ते को जल्द से जल्द खोला जाए। कैमरामैन सुशील तिवारी के साथ विष्णु गुप्ता, सोनभद्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।